सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी वो सिस्टम होता है जो स्ट्रेस में काम करता है। अगर आपको लाइफ में स्ट्रेस है, सपोज आपका आप अपने घर पे आए, आपका आपका घर 8th फ्लोर पे है और आपका लिफ्ट काम नहीं कर रहा है अचानक में, अब आपको वॉक करके ऊपर जाना है, स्ट्रेस है। आपका एग्जाम है 12 o'clock और आप अभी सो के उठे 11:30, अब आपको आधे घंटे में अपने सेंटर पे पहुंचना है, स्ट्रेस है भाई, स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस से लड़ने के लिए आपके आपको आपको आपके बॉडी को तैयार रखना होगा। यस सर, स्ट्रेस आपको जिंदगी में बोल के आएगा क्या? स्ट्रेस आपको बोल के आएगा कि कल मैं आने वाला हूं? यस सर, इज दैट क्लियर? कल 5 जनवरी है या 13 दिसंबर है और 13 दिसंबर को मैं आने वाला हूं, ऐसा बोल के आता है? नहीं बोल के आता है। इसलिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है ह्यूमन लाइफ में कि आप अपने बॉडी को हमेशा स्ट्रेस से लड़ने के लिए तैयार रखें। उसके लिए हमने आपको क्या बोला है, हमको आपके बॉडी को स्ट्रेस हो और आपको स्ट्रेस से लड़ने की कैपेसिटी डेवलप हो, इसके लिए आपको बोला गया है कि यू हैव टू वॉक, यू हैव टू नॉट वॉक, यू हैव टू गो फॉर द स्पीड वॉकिंग एवरी डे। आपको 20 से 30 मिनट का स्ट्रेस आपके फिजिकल बॉडी को देना है ताकि आपकी फिजिकल बॉडी तैयार हो सके नीट के स्ट्रेस को फेस करने के लिए। यस सर, आपको किसी भी टाइप का स्ट्रेस होगा ना तो वही इफेक्ट आएगा बॉडी में, सेम इफेक्ट आता है, ये समझ लो। अगर आपको नीट का टेंशन आ गया, आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो भी आपका बीपी बढ़ेगा, आपका हार्ट वॉल्यूम बढ़ेगा, कार्डियक एक्टिविटी बढ़ेगी, हार्ट की बीटिंग बढ़ेगी, ब्रीदिंग बढ़ेगा। ये आपकी जो स्ट्रेस की जो फिजियोलॉजी होती है, दैट फिजियोलॉजी इज ऑलवेज गोइंग टू बी रिमेन सेम। स्ट्रेस की फिजियोलॉजी सेम होती है। यस सर, तो अगर जब आप स्पीड वॉकिंग करते हो, आपको मैंने बोला कि आपको 20 मिनट स्पीड वॉकिंग करनी है, तो जब आप स्पीड वॉकिंग करते हो ना, उस समय वही चीजें होती हैं जो एग्जाम के स्ट्रेस में होते हैं। अगर किसी के लाइफ में सडन कुछ लॉस हो जाता है तो उसको स्ट्रेस होता है। तो लाइफ में किसी भी टाइप का स्ट्रेस हो, लेकिन स्ट्रेस की फिजियोलॉजी सेम होती है। एवरी टाइप ऑफ स्ट्रेस, हर एक टाइप के स्ट्रेस में आपकी बॉडी सेम तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। हर एक स्ट्रेस में हार्ट बीटिंग बढ़ता है, कार्डियक एक्टिविटी बढ़ती है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ता है, ब्रीदिंग एक्टिविटी बढ़ती है, दिमाग बड़ी तेजी से शार्प सोचना चालू करता है। यस सर, इसलिए एकदम अच्छे से समझ लेना, ये सारी बातें मुझे पता है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपको स्ट्रेस आएगा, तो अभी से स्पीड वॉकिंग वॉकिंग करके एवरीडे करके आप अपने बॉडी को तैयार रखोगे, तो जब स्ट्रेस कभी भी आएगा फ्यूचर में तो आपकी बॉडी तैयार रहेगी। और अगर आप स्पीड वॉकिंग नहीं किए तो स्ट्रेस जब भी आएगा आपकी वाट लगाएगा, स्ट्रेस जब भी आएगा आपको बेकार करके जाएगा, समझता है क्या? यस सर, कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए इट इज वेरी एसेंशियल, व्हाट एवर द थिंग्स आर एसेंशियल, दैट एसेंशियल थिंग्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी टॉट टू यू। यस सर, और आपका सिस्टम है ना, आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो, आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने के बाद आपका माइंड बदलता नहीं है, ये साइंस है, साइंस साइंस पढ़ के भी आपका दिमाग बदलता नहीं है, तो कौन आपके दिमाग को बदल सकता है? कोई नहीं बदल सकता है। यस सर, यू आर द किंग मेकर फॉर योर सेल्फ, आप खुद को किंग बना सकते हो, आप खुद को किंग के सर्वेंट भी बना सकते हो। इट्स ऑल अबाउट यू।